अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नेम उर्दू बाय अदील। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारे नाम के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नाम के मीनिंग की। इसके मीनिंग है कामयाब और कामरान के होते हैं। ये मीनिंग आगे भी आपको दिखा दिए जाएंगे। और अगर तख़लीक़ी ज़बान के बारे में बात करें तो ये उर्दू ज़बान का नाम माना जाता है, जेंट्स लड़की है। और अगर हम इस्लाम के मज़ाहिब की बात करें तो ये एक मुस्लिम नाम माना जाता है। और अगर हम इस्लाम के हामी नंबर की बात करें तो 1, 4, 7 और 10 शामिल होता है। और अगर हम इस्लाम के बेलकी नंबर की बात आखिर पर करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इस्लाम के बेहतरीन वक्त के बारे में, तो 3 PM से लेकर 5 PM तक इनका बेहतरीन वक्त माना जाता है। अगर हम इस्लाम के मौफिक दिन की बात करें तो अतवार, मंगल और जुमेरात शामिल होती है। और अगर हम असूल ज़िंदगी के मतलब बात करें यानी इस्लाम में लड़कियाँ किस तरह की होती हैं, तो आप लीडर बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि लोग आपके पीछे चलें और आप लोगों की हीरो बनें। और अगर हम इस्लाम के लकी नंबर की बात करें, इनका लकी नंबर 6 माना जाता है। और अगर हम इस्लाम के मौफिक दांतों की बात करें तो दांतों में तांबा शामिल होता है। अगर हम बात कर लें इस्लाम के मौफिक रंग की तो सुनहरी, नारंगी, सुरख रंग शामिल होता है। और अगर हम बात कर लें इस्लाम के मौफिक पत्थर की तो सबज़ कीमती पत्थर शामिल होता है। और बात कर लें हकीक मतमादल मौफिक पत्थर की, हकीक अहमर, हकीक सुनहरी, फुरा, स्याही, माइलमा पत्थर शामिल होते हैं। तो लकी नंबर पहले भी बता दिया है कि इसका लकी नंबर 6 माना जाता है। सही लकी नंबर के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़, टेक केयर।